हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर लास्ट चैप्टर बैंकिंग। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1935 में, 1 अप्रैल। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इस एक्ट के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, जितना भी हमारा जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसका जो हेड होता है वो कौन है? सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए हम इसको एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। नाउ इट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसीज टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड इट इज चार्ज्ड विद रेगुलेटिंग द कंट्रीज करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। कि आरबीआई क्या करता है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम करता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जा सके, और ऑल्सो रेगुलेटिंग जो कंट्री की करेंसी होती है उसको भी रेगुलेट करता है एंड द क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम मीन जो भी आपका लोन से रिलेटेड क्रेडिट सिस्टम रहता है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि जितनी भी तरह की इंटरेस्ट रेट्स हैं लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, वो सब की सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। सो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे करेंसी इशू करना, ओके, इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करना, बैंकिंग सिस्टम जो है जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन कौन से फंक्शंस प्ले करता है सेंट्रल बैंक का? फर्स्ट फंक्शन इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ये क्या करता है? हमें करेंसी जो नोट्स है उसको इश्यू करने की अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ आरबीआई के पास। देखो, दो तरह के बैंक है, एक तो है सेंट्रल बैंक जिसको हम आरबीआई बोल रहे हैं, और एक है आपके पास कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये जितने भी तरह के आपको और बैंक्स पता है वो सारे के सारे क्या है? कमर्शियल बैंक्स है। तो इन सभी कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास अथॉरिटी, फर्स्ट फंक्शन जो आरबीआई का आता है वो आता है इशू करेंसी, कि नोट्स जो भी नोट्स हमारी जो करेंसी है जो इकोनॉमी में चल रही है, सर्कुलेट है, वो सारी की सारी करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। कॉइन्स और 1 रुपी नोट आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक है। लेकिन जितनी भी बाकी करेंसी है, चाहे वो 5 रुपी नोट है, चाहे 10 रुपी है, 20, 200, 2000, जो भी है 100, वो सारे के सारे कौन इशू करता है? आरबीआई। सो फर्स्ट फंक्शन आरबीआई का जो मेन फंक्शन है दैट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेकंड फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। कि ये किसका गवर्नमेंट बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक। कि गवर्नमेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो आरबीआई से लेती है, अगर कोई भी मॉनेटरी एडवाइस चाहिए तो वो आरबीआई से लेती है। एज अ एजेंट आरबीआई गवर्नमेंट का काम करता है, कोई सेल परचेज करना है अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी, ठीक है, तो वो किसके थ्रू करती है? गवर्नमेंट, आरबीआई के थ्रू। और जो भी बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट है वो किसमें? अगर गवर्नमेंट को सपोज कोई लोन लेना है, कोई मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कहां से फुलफिल होती है? वो भी आरबीआई ही फुलफिल करता है। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? जैसे हमारे बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक। और गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? आरबीआई। इस तरह से हमारे, हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक जो है वो हमारे एजेंट, एज ए एजेंट के रूप में भी काम करता है, एज ए एडवाइजर भी काम करता है। इसी तरह से जो आरबीआई है वो भी गवर्नमेंट के एज अ एडवाइजर काम करता है, एज अ एजेंट काम करता है, ठीक है। एजेंट कैसे काम करता है? कि उसको जो भी सेल परचेज जो भी करनी है गवर्नमेंट ने, तो उसकी जो भी पेमेंट रहती है वो किसके थ्रू रहती है? आरबीआई के थ्रू। कि गवर्नमेंट खुद से जाके पैसे नहीं देती, वो जाते हैं अपने अकाउंट से क्रेडिट और डेबिट कर देती है जिसको भी उसने पेमेंट करनी है। एडवाइजर, अभी बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी एडवाइस अगर लेनी है, कितना पैसा हम दें, कितना पैसा जो है हमें हेल्प के लिए या सब्सिडी के लिए हम देना है,
वो सब भी एडवाइसेस किससे लेती है? गवर्नमेंट आरबीआई से. सो वी कैन से दैट इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. थर्ड, बैंकर्स बैंक. अब देखो बैंकर्स का बैंक, बैंक का बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक का जो बैंक है वो भी कौन है? आरबीआई. कि अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई मनी की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो क्या करती है? पहले तो देखते हैं कि अगर उनके कमर्शियल बैंक जो पैनल कमर्शियल बैंक्स है अगर वो हेल्प कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है लोन से रिलेटेड तो वो किससे लेते हैं? आरबीआई से. क्यों? और ध्यान रखना आरबीआई के अंदर हमारे जो हम पीपल हैं, जो आम जनता है उनके अकाउंट्स नहीं होते, हमारे अकाउंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स में. जबकि आरबीआई के अंदर किन किन के अकाउंट्स हैं? एक तो गवर्नमेंट के और एक कमर्शियल बैंक्स के. ठीक है, इन दोनों के अकाउंट किसके अंडर होते हैं? किसमें होते हैं? आरबीआई. तो कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन है? आरबीआई. और एंड सुपरवाइजरी रोल, अभी बताया कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट, उनको सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई करती है. आरबीआई उनको रेगुलेट करती है, किनको? कमर्शियल बैंक्स को. नेक्स्ट, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट. देखो लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि लेंडर मीन्स देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट के लास्ट में जहाँ से हम सब कुछ थक जाते हैं. अब आगे कहते हैं ना कि भाई अब हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, अब आप ही हमारा सहारा हो, तो वो क्या है? लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट. कि अगर कमर्शियल बैंक्स को अगर वो बैंकक्रप्ट होते हैं या पैसों की जरूरत होती है तो पहले तो वो देखते हैं कि जो पैनल कमर्शियल बैंक्स है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक आपने देखा होगा कि केस हुआ था यस बैंक, जिसके अंदर वो बैंकक्रप्ट हो गया था. अब बैंकक्रप्ट होने के साथ क्या हुआ था? एसबीआई ने उसकी हेल्प की थी. एसबीआई की हेल्प करने के बावजूद भी उसकी जो पेमेंट्स थी वो रिकवर नहीं हो पा रही थी इतना, लेकिन फिर उसके पास वो बाद में कहा गया? आरबीआई. कि जब कमर्शियल बैंक्स को ये दिखता है कि अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास. तो आरबीआई क्या है? एक लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट भी कह सकते. नेक्स्ट फिफ्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. की कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है बिल्कुल कि जो भी हमारी सेल परचेज रहती है फॉरेन करेंसी की वो कौन करता है? आरबीआई. मैनेज फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग कौन करता है? आरबीआई करता है. हमने चैप्टर में पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज में. ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है? आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है फॉरेन करेंसी का डिसाइड हो जाता है और आरबीआई को फिर भी लगता है कि इसकी हमारी जो करेंसी है वो क्या हो रही है, या तो एप्रिशिएट ज्यादा हो रही है या डेप्रिशिएट ज्यादा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर भी चेंजेस उसमें कर देती है. दैट इज मैनेज फ्लोटिंग. तो वो मैनेज फ्लोटिंग की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई. तो आरबीआई के पास क्या है? कस्टडी है इसकी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट, कंट्रोल क्रेडिट. क्रेडिट कंट्रोल करता है बिल्कुल कि कितनी जो है सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए. अगर तो इन्फ्लेशन है तो वो कम क्रेडिट अवेलेबिलिटी देगा, अगर ज्यादा है डिफ्लेशन है अगर तो ज्यादा मनी जो है सप्लाई करने को कहेगा. कमर्शियल बैंक्स, देखो मैंने अभी बताया था कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जैसे रेपो रेट, हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं वो सिचुएशन इकोनॉमी को देखकर आगे डिसाइड करते हैं. अगर तो उसको लगता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मीन्स कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, तो वो अपने बैंक रेट्स बढ़ा देता है. बढ़ाने से क्या होगा कि जो क्रेडिट सप्लाई है वो कम कर देगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोन जो है वो महंगे कर देगा ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके. ठीक है, और अगर उसको लगता होगा कि नहीं इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो वो अपने बैंक रेट्स जो है इंटरेस्ट रेट्स उनको कम कर देगा ताकि लोगों के पास पैसा चला जाए. किसके थ्रू? लोन के थ्रू. लोन सस्ते करके तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे लोन की, और पैसे ज्यादा होंगे तो वहां से क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन कंट्रोल. तो आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का. सेवंथ, क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है? देखो अच्छे से समझिए. अब सपोज करो आपके पास
मैंने आपसे कोई चीज परचेज की, ठीक है, आपसे अब आपको मैंने पेमेंट देनी है 10,000 की, तो मैं आपको कैश ना देकर आपको चेक में पेमेंट करूंगी। मेरा जो अकाउंट है वो है कैनरा बैंक, कैनरा। आपका जो अकाउंट है वो है एसबीआई। मेरा अकाउंट एसबीआई में नहीं है, आपका अकाउंट कैनरा में नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पेमेंट देनी है 10,000 की, तो मैंने आपको अपना कैनरा का चेक दे दिया आपको कि आप ये ले लीजिए और आपकी पेमेंट कर दो। अब आप जाते हैं, ठीक है, किसमें, एसबीआई के पास, वो चेक लेकर जाते हैं। 10,000 का चेक आपने किसमें दे दिया, एसबीआई में दे दिया। ये चेक किसका था, कैनरा का चेक था, कैनरा का। इसका मतलब कि एसबीआई को कैनरा ने कितने देने हैं पैसे, 10,000 रुपीज। चेक पहुंच गया, अब हमारी और आपकी डील खत्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर चेक एसबीआई के पास आ गया तो कैनरा ने एसबीआई को 10,000 रुपीज देने, ओके, 10,000 रुपीज देने हैं। तो अब ये क्या करेगा, क्या इसके पास जाएगा, कैनरा कहेगा कि लो जी कैश पकड़ो और हमारी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप वो हमेशा किसमें डील करेंगे, क्रेडिट में, ट्रांजेक्शन में डील करेंगे। अब बीच में आता है आरबीआई, आरबीआई के पास कैनरा का भी अकाउंट है, एसबीआई का भी अकाउंट है। तो एसबीआई क्या करता है, अपना ये जो चेक है वो आरबीआई में, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, कैनरा के अकाउंट में से 10,000 जो है वो डेबिट कर देता है और एसबीआई के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है 10,000। क्लियर होगी ट्रांजेक्शन, इन दोनों को आपस में कुछ भी नहीं करना पड़ा, आरबीआई ने इन दोनों की सेटलमेंट कर दी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि आरबीआई क्या करता है, अगर दो अलग अलग बैंक हैं उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो वो क्या फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करता है ताकि ये जो है आपस में डील कर सके। आपने जनरली सुना भी होगा कि जब आप किसी और बैंक में जाते हो किसी और बैंक का चेक लेकर, तो वो कहते हैं जी अभी जो है एकदम से कैश नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो वो टाइम किसमें लगता है, वो टाइम इसी में ही लगता है, ठीक है, क्योंकि उनको वहां पर क्लियर करना पड़ता है। आरबीआई से वो चेक ले लेता है, आरबीआई क्या करता है फिर उस चेक से इसके अकाउंट में, जिसके जिसने पेमेंट करनी है उसके अकाउंट से डेबिट कर देता है उतनी अमाउंट, और एसबीआई जिसमें डाली है पेमेंट, जिसकी है पेमेंट, उसमें क्रेडिट कर। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल। सो हियर आई हैव रिटन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। अभी बताया था मैंने आपको कि इसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको सुपरवाइज कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। नाउ इट असेट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ये किसके असेप्ट करता है डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स के, एंड एडवांसिंग लोन्स टू देम। और किसको लोन्स प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स को। वेयर एज कमर्शियल बैंक्स इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच असेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक जो हम जैसे लोग हैं, जो आम जनता के लोग हैं, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। पहले भी बताया था मैंने कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक, हम लोग उसके साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते हैं। कि आरबीआई में किसके अकाउंट्स है, कमर्शियल बैंक्स के, लेकिन कमर्शियल बैंक्स में किसके अकाउंट है, जनरल पब्लिक के। तो जनरल पब्लिक की जो डिपॉजिट्स हैं वो कौन एक्सेप्ट करता है, कमर्शियल बैंक्स। और अगर जनरल पब्लिक को लोन चाहिए, हम जैसे को लोन चाहिए, तो हम किसके पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास, ना कि आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई देता है लोन बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं जनरल पब्लिक को। सेकेंड डिफरेंस, इट इज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक क्या है, कस्टडियन करता है फॉरेन एक्सचेंज को। इट कंडक्ट्स मैनेज फ्लोटिंग, अभी बताया था मैंने कि मैनेज फ्लोटिंग करता है, सो दैट इट रेगुलेट द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, कि अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको रेगुलेट कर सके, उसके लिए
मनी एक्सपोर्टिंग की किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। जबकि कमर्शियल बैंक सिर्फ क्या करता है, सिर्फ वो क्या कर? सेल और परचेज करता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, उसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकता है सिर्फ आरबीआई, लेकिन सेल और परचेज अगर करना है तो वो कौन करता है, सिर्फ कमर्शियल बैंक। इट डज नॉट, इट इज नॉट अ कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, इट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। की प्रॉफिट अर्न के पर्पज से वो सिर्फ क्या करता है, सेल करता है या परचेज करता है फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज नॉट इशूइंग अथॉरिटी, नॉट इशूइंग अथॉरिटी कि जो भी करेंसी नोट है वो कौन इशू करता है, आरबीआई। जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है, अगर करेंसी इशू करनी है तो वो कौन करता है, आरबीआई, ना कि कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। कि आरबीआई का मेन जो मोटिव रहता है, पर्पस रहता है, वो क्या रहता है कि इकोनॉमी के अंदर किस तरह से स्टेबिलिटी लाई जा सके, ठीक है, ग्रोथ ला सके। तो मेन जो एम रहता है आरबीआई का, क्या रहता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जबकि जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट लास्ट आपका डिफरेंस, इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड्स बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि आरबीआई क्या करती है, जो भी सप्लाई ऑफ मनी है, अभी जो हमने लास्ट फंक्शन, जो हमने सेकेंड लास्ट फंक्शन किया है क्रेडिट कंट्रोल का, कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमारी मनी को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करता है बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। जबकि कमर्शियल बैंक क्या है, इट्स कॉन्ट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ मनी बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कि ये सिर्फ क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जो भी मनी सप्लाई है उसको किस तरह से और ज्यादा बढ़ाया जा सके, क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से किया जा सके, वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक। लेकिन उस क्रेडिट को रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक बाय गिविंग द इंटरेस्ट रेट्स टू द कमर्शियल बैंक। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस एंड दैट्स इट फॉर टुडे ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।